बरेली में 105वां उर्से आला हजरत शुरू हो गया है और आज दूसरा रोज है। आपको बता दें कि 10, 11, 12 तारीख को 3 दिन उर्से आला हजरत का आगाज रहेगा। मैं इस्लामिया ग्राउंड के बाहर ही खड़ा हूँ। बड़ा ग्राउंड है, हज़ारों की तादाद में बल्कि लाखों की तादाद में ज़ाहिरीन आ जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं, दूर दराज से आए हुए हैं और उर्स के दौरान बरेली शहर की रौनक ही काबिले तारीफ होती है। कहाँ से हजरत आए हुए हैं आप? फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद, अच्छा, कैसा लगता है जब उर्स के दौरान आते हैं बरेली में? बहुत बढ़िया लगता है। कब से आ रहे हैं आप? हम कई साल से आ रहे हैं। कई साल से आप? हम गोंडा से आए। गोंडा से कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ? महसूस बहुत अच्छा कर रहे हैं, काफ़ी साल हो गए, 2016 से आ रहे हैं। हाँ हाँ, बताइएगा क्या कहेंगे आप? क्या नाम? लालपुर से आए, पर शादाब नाम है। अच्छा, कैसा लगा? बहुत परेशानी है। हाँ, 16 से आता हूँ। हाँ, 16 समझो या 16 से आला हजरत के दीवाने हैं। अच्छा अच्छा, बस आप लोग की दुआ चाहिए, आप हमारे ठीक। बहुत अच्छा लग रहा है। हर साल आते रहते हैं? हर साल आते हैं और इस साल जो है थोड़ा सा पहले आए हैं। सरकार हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के कुल शरीफ में दाखिल होने का एक शौक था तो आए हैं, और कल आला हजरत का कुल शरीफ है। तो बहुत तहजीब तमदन से इसमें उलमाए कराम की अक्सरियत है, पढ़े लिखे लोगों का ज़्यादा हजूम है, इसलिए बहुत तहजीब से काम चल रहा है। देखने में बहुत दिल को फुरात महसूस हो। आप लोग कहाँ से हैं सारे लोग? एटा। क्या घड़ी खरीदी है? जी भाई। दिखाओ यार कैसी है। दिखाओ भाई। अच्छा, बहुत खूबसूरत है। यहीं से खरीदी है ना? कितने की? 450 की। 450 की, अच्छा चलिए ठीक है, घड़ी अच्छी है। आप लोग क्या कहेंगे उसके दौरान जब यहाँ पर आते हैं तो कैसा लगता है? बहुत बढ़िया माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगता है, दिल खुश होता है हमारा। क्या कहें, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है, प्रोग्राम भी अच्छा होता है यहाँ। ज़ाहिर काफ़ी दूर दूर से आता है, बहुत अच्छा लगता है। पहली बार कोई आया है यहाँ पर? नहीं, सब आते रहते हैं। पहली बार आया हूँ, लेकिन हाँ वाकई मेरी तबीयत खुश हुई यहाँ पहुँच करके। मैंने देखा मंजर, बहुत अच्छा लगा, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। कहाँ से आए भाई? हमारे दरवाजे से। एटा। एटा। एटा से आए भी। आप तो पहली दफ़ा आए मुझे लग रहा है। यस। जब यहाँ बरेली शरीफ में आए तो कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है। क्या अगली साल भी आएंगे? यस बिल्कुल, आप चर्चिया। तो देखे भैया सारे जी। अच्छा अच्छा, ले लीजिए फोटो, ले लीजिए। ठीक भैया, तो देखिए ये सारी व्यवस्था पंडाल के नीचे कर रखी है, और आपको बता दूं कि क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, इधर आ जाइए। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे उर्स के दौरान, कैसा लग रहा है? उर्स में हमें बहुत अच्छा लग रहा है भाई। आप तो हो कहाँ से, सबसे पहले नाम बताओ। लोग जिला बहराइच से हैं। अच्छा, बहराइच से जी। सब बहराइच से हो? नानपारा। नानपारा के रहने वाले? नेपाल बॉर्डर। नेपाल बॉर्डर जी। अच्छा, बहुत सारे लोग आते हैं उधर से? जी बहुत लोग आते हैं, बस उधर ही से आइए। अच्छा जी। हर साल आते? हर साल आते। अब कैसा लग रहा है यार? बहुत अच्छा माशाल्लाह लग रहा है। कब आ गए थे? हम लोग तो आ गए थे कल सुबह। कल सुबह आ गए थे। चलिए ठीक है, देखिएगा ये लोग बहराइच की तरफ से आए हैं, मैं कुछ लोगों से बात करूंगा। और हजरत क्या नाम है? अच्छा आप बता दीजिए। कौन बताएंगे? वो बताएंगे। अच्छा ठीक है, अरे शर्मा रहे, ये बोलेंगे नहीं कैमरे पे। हजरत आप बताइएगा क्या नाम है? मेरी आवाज़ बैठ रही है? ऐसी बता दीजिए, क्या नाम है? मोहम्मद जुल्फकार। कहाँ से आए हुए? संभल। संभल से? अच्छा, ये तो पास में ही है संभल जी। कैसा लग रहा है उसके दौरान यहाँ? माशाल्लाह बड़ा अच्छा लग रहा है। कहाँ से आप लोग सब? हम लोग अमेठी से हैं भाई। सब लोग अमेठी से? जी भैया। माशाल्लाह हम लोग। कैसा लग रहा है उर्स? बहुत अच्छा है, यहाँ पर सारी सुविधाएं मिल चुकी हैं हम लोग को, जैसे चाहते थे माशाल्लाह। थोड़ा अगर बारिश नहीं होती तो बहुत अच्छा मजा आता। रात के वक्त ये स्टेज बहुत खूबसूरत हो जाती है, लाइटिंग की व्यवस्था कर रखी है और सुराही वगैरह हैं। यहाँ लाउड स्पीकर लग जाता है, कूलर लगे हुए हैं, पंखे लगे हुए हैं, और ये जो ज़ायरीन आए हुए हैं दूर दराज से यहीं पर लेट जाते हैं। इनके लेटने बैठने की व्यवस्था भी यहीं पर है। लंगर भी आप लोगों ने देखा होगा कहाँ चल रहा है। तो बहुत सारे लोग हैं, ये सब दूर दराज से ही ज़ायरीन आए हुए हैं। अगर बारिश नहीं होती तो ये खाली जगह ये भर चुकी होती, क्योंकि यहाँ बारिश के मौसम ने पूरा मामला बिगाड़ दिया। लेकिन जिस स्टेज की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर नाते रसूल गुनगुनाया जाता है, वो स्टेज यही है। और रात के वक्त ये बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत खूबसूरत सी हो जाती है। ये पूरा पंडाल है, आप देख रहे होंगे, बहुत बड़े बीच में ये पंडाल लगा हुआ है, और इस पंडाल के नीचे ही ये तमाम ज़ायरीन जो हैं यहाँ पर लेटते हैं, बैठते हैं, और इनके बैठने की व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी कर रखी है। चूँकि अपनी अपनी ये पॉलीथीन लेकर आते हैं, किसी के पास कोई कपड़ा होता है वो यहाँ पर बिछा लेते हैं। तो मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, मैंने उनसे पूछा कि कौन कहाँ से आए हुए हैं। कहाँ से हैं हजरत आप? हम आए अपने हैदराबाद से, हम आए, ये महाराष्ट्र से आए। आप गुजरात से? ये महाराष्ट्र से? हाँ। अच्छा, साथ में ही है? साथ में ही है।
रिश्तेदार कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, दिल खुश हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। पहली दफ़ा है? हाँ पहली दफ़ा है। पहली दफ़ा आके बरेली में कैसा महसूस किया? बहुत अच्छा लग रहा है, दिल को बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी पहली दफ़ा? जी पहली दफ़ा है। से हो संभाला जब से आ रहे हैं बराबर। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है। और मसला क्या, आला हज़रत जिंदाबाद, पाहिंदाबाद, बहुत अच्छा लगता है। बारिश बहुत सारे लोग आए होंगे आप? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह पूरी बस आई है, नहीं बल्कि 7 बसें आए हमारे गांव से। 7 बसें आए हैं। अच्छा अच्छा। हर बार तादाद ज़ायरीनों की बढ़ जाती है, हर साल बढ़ जाती है। जिंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। आप लोग कहाँ से हैं, नाम तो बता दो यार। मोहम्मद सिराज। कहाँ से? नानपारा से, जिला बहराइच। अच्छा, हम मेरठ से। मेरठ से हैं। क्या कितने रुपए का है ये, कैसे? ये बड़े कुरान के साथ आता है, 1200 रुपए का, 1000 रुपए का आता है जी। बहुत अच्छा लगता है, यहाँ ईमान की खुशबू मिलती है। और आला हजरत की बारगाह में जो आता है उसकी ईमान में ईमानी हरारत पैदा हो जाती है, और बरेली शरीफ में आने से ईमान ताज़ा हो जाता है। कितने साल से आ रहे हैं लगातार? हम लोग 5-6 साल से आ रहे हैं यहाँ, और सरकार ताजु शरिया से जब बैत हुए हैं उसके बाद ही से हम लोग आ रहे हैं। और सरकार यहाँ आने के बाद हर आदमी को ये महसूस होता है कि बरेली शरीफ में हमारा इमाम मौजूद है, और जो हमारे ईमान की हिफाजत किया है और करता रहेगा तक कयामत तक ले, पूरे ख़ानदान के लोग। कितने लोग साथ में हैं आपके? हमारे साथ में 15-20 लोग हैं, सुल्तानपुर से हम लोग आए हैं। आपको बता दें कि इस वक्त हम इस्लामिया मार्केट में मौजूद हैं, और बहुत सारे ज़ायरीन हैं इस मार्केट में कपड़े खरीद रहे हैं, क्योंकि दूर दराज से लोग आते हैं उर्स के दौरान, और ये जो मार्केट है गुलजार होती हुई नज़र आ रही है, आप देख सकते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? बंगाल से। बंगाल से आप सारे लोग बंगाल से ही हैं? अच्छा, कितनी साल से आ रहे हैं लगातार? इस बार नहीं आए आप लोग। अच्छा, कैसा लग रहा है बरेली शरीफ में आकर? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है पापा? बहुत बढ़िया लग रहा है। हजरत कहाँ से आए? मसूली। मसूली से? हजरत आप कहाँ से? जम्मू से। अच्छा, जम्मू कश्मीर। कितनी साल से आ रहे हैं लगातार? मैं पहली साल आया हूँ। पहली बार आए? पहली बार। अच्छा, और कितने लोग आए साथ में? हमारे साथ 4-5 लोग आए। 4-5 लोग आए। अच्छा, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। लोगों का कोऑपरेशन है। उर्स मुबारक का इसका तो कुछ कह ही नहीं सकते, यहाँ तो तकदीर बदलने वाली बात है। मैं 94 में हजूर ताजु शरिया अलैहि रहमतुल्लाह व रिदवान से बैत हुआ था, उसके बाद मैं आता ही रहा हूँ। ये दुनिया सुनियत का मरकज़ है, और यहाँ से जो सबसे बड़ा पैगाम है वो पूरी दुनिया को अमन का पैगाम दिया जा रहा है। जहाँ मजहबी इबादतें होती हैं वहाँ दुनिया को अमन का पैगाम भी दिया जा रहा है। और ये बहुत अच्छा लगा है, हमें ये ऐसा लगा है कि हमारे हिंदुस्तान का बेहतरीन जो सिस्टम है वो यहाँ हमने देखा। हिंदू भाई, हिंदू मुस्लिम में भाईचारगी जो देखे यहाँ बरेली में, हिंदू मुस्लिम भाईचारा भी है। हजरत थोड़ा सा साइड हो जाएंगे, कहाँ से? गुजरात से आए हम, जामनगर। जामनगर से आए जी। क्या कहना चाहेंगे उर्स के दौरान, कैसा लगता है यहाँ पर? जी, उर्स रज़ा पर आकर बहुत ही रूहानी सुकून मिलता है, और ये पूरे देश भर के सुन्नियों का मरकज़ है। और यहाँ पर आके हमें बहुत ही रूहानी सुकून मिलता है, इसलिए तो हम छेठ गुजरात से दावत इस्लामी के मदनी काफिले में यहाँ पर आए हैं। आगे तो उसके बाद 10 रुपए गिलास, पाइनएप्पल।